अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5 है, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास ना डेफिनेशन ये है कि टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्केल अ नॉट। अब हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास जो दिया हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्केल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, इफ द नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या आपके जितने नंबर गिवन है उसके पहले बनाए प्राइम फैक्टर। ठीक है, and all these factors can be grouped in pair, और हमारे पास तो सारे pair form में हों। ठीक है, जो भी हमारे पास factor बने होंगे then the number is called a perfect square। हम कह सकते हैं कि आपका number क्या है, perfect square है। यानी हमारे पास जो दिए हुए number हैं उनके पहले आपने prime factor बनाने हैं, उसके बाद उनको आपने pair बनाने का, तो pair आपके बनते होंगे तो फिर लिखना है आपको perfect square है। अगर आपका वो number पेयर के फॉर्म में नहीं होते फिर आप लिखना है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी। पहला दिया है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अगर हमारे पास कोई इवन नंबर दिया है उसका स्क्वायर लेंगे तो आपका इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकेंड है द स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड। अगर हमारे पास कोई नंबर आपका ऑड दिया उसका कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर है वो ऑड ही आएगा। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 दिया है ना, अब 1 हमारे पास ऑड नंबर है तो 1 का आप स्क्वायर लें, 1 रेज्ड टू पावर 2 इक्वल टू, जितनी हमारे पास ऊपर पावर होगी 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेगा 1 इनटू 1 1 आएगा, 1 क्या हमारे पास ऑड। उसके बाद हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 इनटू 3 9 आ गया। अब 9 क्या हमारे पास ऑड है, यानी ये आपका 1 और 3 ऑड थे तो आपके आंसर भी क्या है, वो भी आपके ऑड नंबर ही है स्क्वायर लेके। उसके बाद 2 हमारे पास इवन नंबर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का आपका 4 आ जाएगा। अब 4 क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद 4 आया, 4 का स्क्वायर लेंगे जी 4 इज पावर 2 इक्वल टू 4 इनटू 4 16 आ गया। अब 16 क्या है हमारे पास, ये इवन नंबर है। अगर हमारे पास जो दिया हुआ नंबर है अगर इवन हो तो जब उनका स्क्वायर लेंगे तब भी आपका आंसर इवन में आता है, अगर हमारे पास ऑड है तो ऑड में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपने अब करना क्या है कि इनका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हमारे पास 21 दिया है तो 21 का हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, 21 रेज्ड टू पावर 2 आएगा, अब 21 मल्टीप्लाई बाय 21, अब 21 को 21 से हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 तो यहाँ आएगा आपका 441। अगर 21 को 21 से करें मल्टी, उसके बाद 22 का स्क्वायर ले लिया आपने तो लिखना है 22 रेज्ड टू पावर 2, पावर 2 का स्क्वायर है। अब 22 को 2 टाइम करना मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 यहां आ जाएगा 484। उसके बाद 23 का लेना है आपने स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 23 यहां आ जाएगा 529। उसके बाद 24 का स्क्वायर लेना है आपने तो ये हमारे पास है 24 का स्क्वायर इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाय 24 तो यहां पे आपका आंसर आएगा 576। उसके बाद आप 25 का लेना है, 25 रेज टू पावर 2, अब 25 का पावर 2 है 25 इनटू 25 तो यहां पे आएगा हमारे पास 625। उसके बाद 26 का लेना स्क्वायर, आप 26 रेज टू पावर 2, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 तो यहां पर आपका आंसर आएगा 676। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास जो आपके डेरिवर होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है और डेफिनेशन पर भी आपने रीड करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा एक्सरसाइज 5a, डेफिनेशन करनी है आपने प्लस क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है, आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।